नमस्कार, रोशन भव सिटी हलचल में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको बताते हैं नकाब पोशों द्वारा की गई लूट। यह हादसा हुआ है मोहाली के गांव सोहाड़ा में। यहां पर एक पेट्रोल पंप था और अभी शाम का ही समय था कि एक गाड़ी रुकी। गाड़ी में करीबन चार लोग थे, चारों ने नकाब पहना हुआ था। चारों लोगों में से तीन लोग बाहर निकले और पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारियों के साथ लूटपाट की, लाखों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना पुलिस को दी गई और मौके पर इसके बाद पुलिस पहुंची। मोहाली जिले के नेशनल हाईवे पर साथित गांव सोहाड़ा के पास देर शाम नकाबपोश हथियारबंद लुटेरों ने भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात से पहले लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को धमकी देते हुए हवाई फायर भी किए, फिर एक लाख से ज़्यादा की नकदी लूटकर फरार हो गए। लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही थाना सदर खरड़ पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ले ली और फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। जांच अधिकारी एसआई कुलवंशी ने बताया कि यह वारदात आधी रात के बाद करीब 2:10 पर हुई, जब एक टैक्सी नंबर की कार में सवार चार नकाबपोश आए। पंप पर चार कर्मचारी थे, इनमें से दो पेट्रोल डालने की ड्यूटी दे रहे थे और दो अंदर कैबिन रूम में मौजूद थे। लुटेरों में से एक व्यक्ति पूरी वारदात के दौरान कार के अंदर ही मौजूद रहा, जबकि बाकी तीन लुटेरों ने कर्मचारियों को डराने के लिए हवाई फायर किया। डर से सेलमैन ने भागने की कोशिश की, लेकिन लुटेरे उसे घसीटकर अंदर ले आए और गन पॉइंट पर एक लाख से ज़्यादा की नकदी लूट कर चलते बने। ये जी 2:15 की गल है, चार मुंडे इतने सुते हुए सी, दो मुंडे ड्यूटी कर रहे थे, मतलब टोटल चार जने सी। तो 2:15 के नेड़े एक टियोस गड्डी बंदे आए ने, ते तीन जने को हथियार सीगा, एक जना गड्डी बैठा सीगा। ते उधरों मुंडा भजदा होया आया ते ऑफिस के नेड़े आके उन्होंने उन्होंने फड़ लिया, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर फायर मारिया। तो फायर कर मारन तो बाद घसीटते अंदर ऑफिस लाए, तो ऑफिस लिया तो बाद एक होर मुंडा आ गया जिसके हाथ में पिस्टल सीगा, तो उन्होंने गन पॉइंट से उन्होंने को लख रुपए के नेड़े हैगा सी कैश, तो एक मोबाइल फोन वो खो के लै गए। फिर चार जने से, तीन तो जी वीडियो भी देख रहे हैं जिहड़े सीसीटीवी कैमरा जिन्हों को हथियार सीगा, एक गड्डी बैठा सीगा, इटियोस गड्डी सी, तो अपना टैक्सी का नंबर लग्या होया सी पीली नंबर प्लेट। एक को तो पिस्टल लग रहा, दो को रिवॉल्वर लग रहा जी, और बाद हवाई फायर किया, वह छला इतने रह गया अपने को, 32 बोर का सी। नहीं क्या पुलिस ने कोई शिकायत करी? पुलिस को आप राती 100 के कंट्रोल रूम फोन किया, वो नाल दे नाल ही आ गए, 2-4 गश्त कर रहे थे इतने। वो SHO साहब, सब इंस्पैक्टर, तो हमने DSP मैडम भी आके होके गए। कर भी है जी, उन्होंने परचा कर लिया, FIR करती, उन्होंने FIR की कॉपी पई है इतने, तो हम अगे ट्रेस कर रहे हैं, देखो कि करते हैं। पैसे की चलो नुकसान तो कभी भी भर सकते हैं, जो बाईचांस गोली चल जाती है कुछ हो जाता, आप उसकी भुगताई कितों करते बंदे की। बाकी है कि जो हम फड़े जाते अगले पंपा दे या कोई होर कोई लुट कर बच जाएंगे। सिक्योरिटी का यह है जी, अपने तो 4 अगे पंप है, उन्होंने भी अपना महीना को पहले उत्थे कोई वारदात हुई है, दोपहरे खो के लैके गए हैं पैसे मैनेजर को। ये है जी, और आप मांग करते हैं कि आप 24 पंप खोलें कि चलो पब्लिक वास्ते कि राती कोई दिक्कत आवे पेट्रोल भरवाने वास्ते, टॉयलेट वास्ते। अपनी तो यह मांग है कि भावे इतने इंटरसैप्टर ला दें या कुछ उदा की चीज़ ला दें, तो एक सिक्योरिटी रहे मुंडिया की। इतने चंडीगढ़ के सेक्टर 32 के हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने हंगामा किया है। यह हंगामा क्यों हुआ, इसका मुख्य वजह यह थी कि एक महिला डॉक्टर के साथ यहीं के OT टेक्नीशियंस द्वारा छेड़छाड़ की गई थी, जिसकी शिकायतें लगातार दी जा रही थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। उसके बाद डॉक्टर्स में रोष व्याप्त हो गया और डॉक्टर्स ने यहां पर हंगामा कर दिया। सोमवार को GMCH सेक्टर 32 में डॉक्टरों ने जमकर हंगामा किया। इन डॉक्टर्स ने डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। इन डॉक्टर्स में अधिकतम लेडी डॉक्टर भी शामिल थी, जो जस्टिस की बात कर रही थी। दरअसल लेडीज डॉक्टर से छेड़छाड़ का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। GMCH 32 में डॉक्टर इसमें से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जिस OT टेक्नीशियन ने छेड़छाड़ की है उसकी गिरफ्तारी की जाए। इसी मांग को लेकर डॉक्टर ने 2 तक अस्पताल परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लेडीज डॉक्टर्स में रोष था, जिनका कहना था कि दिन दिहाड़े एक डॉक्टर के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की जाती है और इस मामले में कई बार शिकायत देने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। उन सभी को इसमें न्याय चाहिए। प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट कि ऐसे किसी भी फीमेल को ऐसे तुम सेक्सुअली हरास नहीं कर सकते हो।
शी इज जस्ट अ 27 ईयर ओल्ड फीमेल अ डॉक्टर एंड एनेस्थीसिया रेजिडेंट सेकंड ईयर. ठीक है, उसको ऐसे ही दिन दहाड़े एक ओटी टेक्नीशियन ऐसे सेक्सुअली असॉल्ट करते. दिस इज नॉट मेन. तो पुलिस ने क्या बोला? ही हैज नॉट बीन अरेस्टेड येट. कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई गई है, इसलिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी उसको अरेस्ट हो, बेल ना दे. अब आपकी डिमांड क्या क्या रखा? हमारी डिमांड ये है कि जल्दी से जल्दी उसे अरेस्ट किया जाए और कोई बेल नहीं दे बिकॉज इज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस. और इस तरह से हमें हमारी सेफ्टी यहाँ पर फीमेल वर्कर्स की इंश्योर की जाए कि इस तरह का इवेंट आगे जाके कभी ऐसा नहीं. वहीं प्रदर्शन बढ़ता देख मौके पर जीएमसीएच 32 की डायरेक्टर जसविंदर कौर भी पहुंची, जिसने कहा कि ओटी टेक्नीशियन के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसे तुरंत सस्पेंड किया गया है. भाजपा द्वारा चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया गया है. भाजपा मतलब कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, यह एक भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा का एक संघ है, एक संस्था है जिसमें युवा लोग शामिल होते हैं. इन्होंने कैप्टन सरकार पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ नारेबाजी की है, पंजाब के सीएम के आवास का घेराव करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही रोका, वाटर कैनन चलाया और हल्के बल का भी प्रयोग किया ताकि यह सीएम आवास तक ना पहुँच सके. भाजपा का यही कहना था कि कैप्टन सरकार ने काफी वायदे किए थे लेकिन वह पूरे नहीं किए गए हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए युवा मोर्चा के सदस्य सेक्टर 17 में इकट्ठा हुए थे और जैसे ही इन्होंने मुख्यमंत्री निवास की तरफ कूच किया तो चंडीगढ़ पुलिस ने इनको सेक्टर 17 के पास ही रोकना चाहा. भाजपा युवा मोर्चा के सदस्यों ने आगे बढ़ने की कोशिश की मगर आगे बढ़ते देख युवा मोर्चा के लोगों को पुलिस ने आखिर वाटर कैनन और आंसू गैस का प्रयोग करके रोका. इसमें कई सदस्यों और पुलिस कर्मियों को हल्की चोटें भी आई हैं. भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह के सरकारी आवास का घेराव करने का प्रयास किया लेकिन सेक्टर 17 स्थित आरबीआई ऑफिस के सामने पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. रोकने के बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं नहीं माने और बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने पानी की बौछारें करके और आंसू गैस के गोले छोड़कर प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने का प्रयास किया. इस दौरान कई कार्यकर्ता घायल भी हो गए. मामला ज़्यादा बढ़ता देखकर सेक्टर 17 थाना पुलिस भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर थाने ले गई. इस दौरान कई कार्यकर्ता पुलिस वैन के सामने लेट गए और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रदेश को नशा मुक्त करने का वायदा किया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है. सरकार ने बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का भी वायदा किया था जिसके बारे में बात ही नहीं की जाती. विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे भाजपा के पंजाब के सभी जिला प्रधानों और पूर्व विधायक कृष्ण देव भंडारी ने भी इसमें अपनी सक्रियता दिखाई. पंजाब के सभी जिलों से भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे होकर पहले जलंधर पहुंचे, वहां से जत्थों में चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए. चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में रणनीति बनाने के बाद भाजपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकले लेकिन सुरक्षा के कड़े इंतजामों के चलते वह आगे नहीं जा सके. अज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा वालों पंजाब सरकार ते खास तौर पर कैप्टन सरकार के खिलाफ जो इत्थे नशे की तस्करी चल रही है, जो ड्रग्स माफिया काम कर रहे हैं, जो बिजली के रेटों से बढ़ोतरी हो रही है, वो खिलाफ़ रोस प्रदर्शन किया और पूरे पंजाब के युवा मोर्चा के साढ़े साथी चंडीगढ़ पहुँचे हैं. असी बहुत ही शांतिपूर्वक जिहड़ा है प्रदर्शन कर रहे थे, रोस मार्च कर रहे थे, पर रस्ते दे विच पुलिस ने साढ़े से बड़ा जुलम किया, तशद्दुद किया, नौजवानों के उत्ते लाठियां चार्ज कीतियां, आंसू गैस के गोले छड़े, पानी ने बुछारा मारियां, बहुत ही साढ़े साथी जिहड़े जख्मी हो गए, कईयों नूं गिरफ्तार भी किया गया. अज असी कैप्टन की सुती सरकार नूं जगाउण आए हां क्योंकि कैप्टन साहब ने बठिंडा विखे गुटका साहब हाथ में फड़ के सहुं खाधी सी कि मैं चार हफ्तों च नशा खत्म कर दाँगा. नशा तो की खत्म करना, इन्हां दी जहरीली दारू ने 130 मौतां दे नाल पंजाब दे लोकां दी जान लै ली. अज कैप्टन दी सुती सरकार नूं जगाउण आए सी पर प्रशासन ने सानू अगे जान नहीं दित्ता गया. साडे उत्ते पानी दीआं बछाड़ां अते सानू पत्थर रोकया गया ते साडे उत्ते जुल्म कीता गया. साडियां अज युवा मोर्चा दे कई साथियों दी गिरफ्तारियां हुईयां अते
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦਬਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਨੀਂਦ ਸੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਜਗਾਨੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਅਕੇਲਾ ਅਕੇਲਾ ਵਾਦਾ ਯਾਦ ਕਰਾਨੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਇਸ ਲਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਰਹਿਣੇ ਕਾ ਕਭੀ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਇਸਕਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਰਹੇਗਾ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਆ ਹੈ, ਸੋਟੀਆਂ ਵੀ ਖਾਈ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਕਭੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕਾਮ ਮੇ ਪੀਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ, ਬੜ ਚੜ ਕਰ ਹਿੱਸਾ ਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਸਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਮ ਜਬ ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲਦੇ ਕਫਨ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ, ਘਰ ਆਏਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਮਾਰੇ ਕਿਤਨੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਕੇ ਸਾਥੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੇ ਸਾਥੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲੀਦਾਨ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾ ਮੁਖਰਜੀ, ਹਮ ਸਭਨੇ ਉਨਕੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕੋ ਦੇਖਾ ਹੈ, ਸਮਝਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਚਟਾਨ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਲਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। 100 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦਵਾਈ ਇਹਦੀ ਆਪਕੋ 40 ਰੁਪਏ ਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੋ, ਯਾ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਹੀਂ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਕੋ ਮਾਤਰ 400 ਰੁਪਏ ਮੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਸੰਸਥਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ। ਸੈਕਟਰ 32 ਮੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਹਾਂ ਪਰ ਦਵਾਈਓ ਪਰ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਕੇ ਸੰਚਾਲਕੋ ਕਾ ਤੋ ਯਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਹਿ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਹਿ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਮੇ ਕਹੀਂ ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਤਾ। ਯਹਾਂ ਪਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜੈਸੇ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਬਦਨ ਦਰਦ, ਐਸੀ ਦਵਾਈਓ ਪਰ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਲਕਿ VP ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼, ਐਸੇ ਕਈ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਿਨਕੀ ਦਵਾਈਆਂ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਆਪਕੋ ਅਬ ਸਸਤੇ ਮੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਟਰ 32 ਮੇ ਸ਼ੋਪ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ ਸੰਚਾਲਕੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੋਪ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਸ ਪਾਸ ਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਨਸੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਯਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਮੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਬ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮੋ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇਂਗੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇ ਸੈਕਟਰ 32 ਮੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈਓ ਕੀ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਮੇ ਆਪਕੋ ਸਭੀ ਬਿਮਾਰੀਓ, ਚਾਹੇ ਵਹ VP ਹੋ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ, ਕੈਂਸਰ ਹੋ, ਅਨ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ ਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲੇਂਗੀ। ਸੰਸਥਾ ਕੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਰਜੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰਾਈ ਸਿਟੀ ਮੇ ਇਤਨੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮੋ ਪਰ ਆਪਕੋ ਕਹੀਂ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਜਿਤਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਾਮੋ ਪਰ ਵਹਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਂਗੇ। ਜਬ ਸੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਤਬ ਸੇ ਯਹਾਂ ਲੋਕੋ ਕੀ ਭੀੜ ਜੁਟਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੰਸਥਾ ਕੇ ਹਰਜੀਤ ਸੱਭਰਵਾਲ ਕਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਉਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕੋ ਕੀ ਮਦਦ ਕੋ ਆਗੇ ਆਏ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਤੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹੇ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਮੇ ਉਨਕੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਨਕੇ ਯਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਔਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸਭੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲੀਏ ਸਰਜੀਕਲ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਹਿ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਦਵਾਈਓ ਮੇ 25% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਔਰ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਓ ਮੇ 60% ਤੱਕ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਭਸੇ ਬੜੀ ਬਾਤ, ਜੋ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਜ ਕੇ ਲੀਏ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਤੇ, ਉਨ੍ਹੇ ਵਹਿ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ 5% ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ 25% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਜੈਨਿਕ ਔਰ ਐਥੀਕਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 60% ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੋ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ, ਜਾਂ 25% ਅਤੇ ਜਾਂ 60% ਦਵਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ 32 ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਮੋ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਜੀਕਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਵੀ, ਐਥੀਕਲ ਵੀ, ਸਰਜੀਕਲ ਵੀ, ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ 20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਅੰਬਾਲਾ, ਜੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੋਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ, ਅਤੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੈਸਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਮਿਸਟ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸਟ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ, ਖਰਚੇ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜੇ 1000 ਸ਼ੌਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੌਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪ ਖੋਲ੍ਹੀ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, 32 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੁਹਾਲੀ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਤੋਂ, ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਕਸਟਮਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 5% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। संस्था ने जब यह दुकान खोली है तब से उनके पास ट्राईसिटी के अलावा जीरकपुर, डेराबसी, मोहाली से भी लोग दवाइयां लेने आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि इतने सस्ते दामों पर अब तक कोई भी दवाइयां उपलब्ध नहीं करवा पा रहा था, जिससे सस्ते दामों पर यहां पर दवाइयां उन्हें मिल रही हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 स्थित एक मकान में आग लगी। आस पड़ोसी ने घर से उठता हुआ धुआं देखा, जिसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन इससे पहले ही आस पड़ोसी सजग नजर आए और काफी सामान ताला तोड़कर निकालने का प्रयास भी किया। इसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची और आग पर काबू पाया जा सका। चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के मकान नंबर 1352 में अचानक आग लगी। आग लगने से कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि घर में जहां आग लगी थी, यहां के लोग परिवार सहित मनाली घूमने गए हुए थे, लेकिन सामान जलकर स्वाहा हो गया। पीछे से एकाएक घर में धुआं उठने लगा। पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति ने जब देखा कि घर से धुआं निकल रहा है, तो उसने एहतियात के तौर पर पुलिस और फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और साथ ही साथ घर के दोनों लॉक तोड़ के घर से सिलेंडर व अन्य सामान निकाल दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि इस घटना के बाद से ही पूरे एरिया में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने अपनी इसी तरह तारें निकालनी शुरू कर दी हैं। गनीमत यह रही कि कॉलोनी के लोगों ने अपने स्तर पर ही घर की चीज़ें तोड़कर आग को बुझाने में हिम्मत दिखाई। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, तब तक 3 घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। पड़ोस में रहने वाले खुशपाल का कहना था कि वह अपने पिछले बरामदे में एसी की रिपेयर करवा रहा था कि एक घर से धुआं उठने लगा। जैसे ही उन्हें पता चला घर वाले मनाली घूमने गए हैं, उन्होंने अपने स्तर पर ही घर का ताला तोड़कर भरे हुए 2 सिलेंडर बाहर निकाले और घर का जो भी सामान वह बचा सकते थे उसे बचाने का पूरा प्रयास किया। हालांकि घर में आग काफ़ी लगी हुई थी। वहीं युवक अभिजीत ने बताया कि उन्होंने घर वालों को सूचित कर दिया था और रविवार का दिन था, सब लोग घर पर ही थे, इसलिए एक बड़ा हादसा होने से टल गया। आस पड़ोस वालों ने आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्कत की। एक्चुअली हमारे घर में एसी की सर्विस चल रही थी, तो मैं पीछे साफ कर रहा था, मैंने मेरे को स्मेल लाई धुएं की, मतलब इसकी आग लगी थी। मैंने पापा को आवाज़ मारी, जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, मेरा फ्रेंड है अनुराग, उनके घर में लगी, मतलब धुआं काफ़ी निकल रहा था, तो एकदम से हम सारे बाहर आए, मेरी फैमिली निकल के हम सारे बाहर आए, तो सारी में मेरा फ्रेंड है उसने पुलिस को फोन किया, मतलब सबने अलग अलग करके किसी ने एम्बुलेंस को फोन कर दिया। तो ऊपर जाके मैंने, मेरे पापा ने और उनके सामने वाले, हमने दरवाज़ा तोड़ा, तोड़ते ही हम मतलब सारा धुआं जो एकदम से आग ज़्यादा पड़ गई, इतने में एम्बुलेंस आई और उन्होंने सारा। चंडीगढ़ का दिन प्रदर्शनों वाला भी रहा। यहाँ पर डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करने वाले कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि निगम उनके साथ धोखा कर रहा है। निगम ने जब एक MOU साइन किया था उनके साथ, तो कहा गया था कि जो भी कलेक्शन होगी, जहाँ से वह डोर टू डोर गार्बेज इकट्ठा करते हैं, वह उन्हें दी जाएगी, लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा है। चंडीगढ़ नगर निगम सेक्टर 17 कार्यालय के बाहर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सोसाइटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही गार्बेज कलेक्टर का कहना था कि नगर निगम ने उनके साथ धोखा किया है। उनके साथ जो MOU हुआ था, उन नियमों की पालना निगम द्वारा नहीं की जा रही। इसके विरोध करते हुए उनका कहना था कि सेक्टर 21 रेडी फड़ी वालों द्वारा लोगों के घरों से कूड़ा उठाया जाता है, जिसमें 26 व्यक्ति काम करते थे, लेकिन आज वहाँ सिर्फ 12 लोग ही काम पर रह गए हैं और उनकी जितनी कलेक्शन होती है, उस कलेक्शन के हिसाब से उन्हें पैसे नहीं दिए जा रहे। जबकि MOU हुआ था कि जब भी कलेक्शन होगा,
वह डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर को दे दिया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन सौंप चुके हैं। अगर अभी भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह सांसद किरण खेर के घर का घेराव करेंगे। एक भी नहीं मानी सर, वो खाली लोग दिखावा है, वो खाली लोग दिखावा, कोई भी डिमांड नहीं मांगी। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। जो नगर निगम के अंदर जितने भी बीजेपी सरकार के पार्षद बैठे हैं, कमिश्नर जो भी बैठे हैं, ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इन्होंने सेक्टर 21 में इतना ज़्यादा शोषण किया हमारे भाइयों का, वहाँ पे 26 लड़के काम करते हैं और तनख्वाह मिलते हैं सिर्फ 12 को, वो भी 8,500 रुपये। अब 8,500 रुपये में कैसे गुजारा करेंगे? और ऊपर से धमकी देते हैं कि 8,500 में काम करना है तो करो, नहीं तो जाओ। ठीक है, जब हम अपनी रेडियो में काम कर रहे हैं और गिल्ला सुखा कूड़ा अलग अलग करके देते हैं, ये फिर भी जबरदस्ती अपनी गाड़ियाँ भेजते हैं, जो कि हमारे पास कोर्ट की सटे हैं। ये नगर निगम प्रशासन, पुलिस प्रशासन कोर्ट को नहीं मानता, हाई कोर्ट को नहीं मानता। इन्होंने गुंडागर्दी दिखा रखी है, सरासर गुंडागर्दी करते हैं। जब हम अपनी रेडी लेके जाते हैं, हमारे को धमकाते हैं, डराते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, जबकि इनकी गाड़ी चलने का ऑर्डर नहीं है। अखबार के माध्यम से आप पता कर सकते हैं, कहीं से भी हम रेडियाँ लेके जाते हैं, ये अपने गुंडे भेजते हैं, इनकी रेडियाँ बंद कराओ। और डॉक्टर साहब हमें धमकी देते हैं, इनकी रेडियाँ मैं उठवा दूंगा, रेडियाँ बंद करवा दूंगा और एसके को बंद करवा दूंगा। अरे डॉक्टर साहब, कमिश्नर साहब, पूरे चंडीगढ़ शहर में रेडी से काम होता है, इंक्वायरी करके देख लें आप, रेडी से काम होता है, खाली गाड़ियों का नाम है, गाड़ियों पर काम नहीं होता। जब हमारी रेडी चलती है तो आपकी गाड़ी चलती है, जिस दिन हमारी रेडी बंद होगी आपकी गाड़ी को कोई नहीं पूछेगा। और मैं विनोद कुमार लोट आपसे वादा करता हूँ, सेक्टर 41B में मेरा काम है, अगर आप एक महीना मेरा काम कर लोगे और गिल्ला चुका कूड़ा लाल कर दोगे, मैं काम आपके नाम लिख दूंगा फ्री में, आप कुमाऊ खाओ। ये काम बहुत मेहनत का काम है, 3-4 मंजिल पर चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है। हम गाड़ियों पे काम करने के लिए भी तैयार हैं, जो हमारा हक बनता हमें दे दो, हमें गाड़ियों से कोई एलर्जी नहीं। हम गाड़ियों पर अभी 5 महीने काम भी किया है, बदले में क्या मिला? 8,500 रुपये। और हम गाड़ियों पर अभी भी काम करने के लिए तैयार है, अभी चढ़ा दो, लेकिन जो हमारा हक बनता है, जितनी हमारी कलेक्शन बनती है, हमारे खाते में डाल दें, हम तैयार हैं, हमारी कोई जिद नहीं है। जिद करते हैं कॉरपोरेशन, जिद करता है यहाँ का महापौर कमिश्नर साहब और सौरभ अरोड़ा जी डॉक्टर साहब, जिद पे अड़े हुए हैं, यहाँ के मेयर अड़े हुए हैं, यहाँ के पार्षद अड़े हुए हैं, जिद पे अड़े हुए हैं। और जिद नहीं चलेगी, परमात्मा ने सुख रखा, आपका बहिष्कार करें, कॉलोनी में बढ़कर दिखाना, वोटों का टाइम आ गया। सबसे पहले विनोद कुमार लोट और मैं, हम सबका इनका बहिष्कार करेंगे, बीजेपी सरकार का, अपनी कॉलोनी में नहीं घुसने देंगे, इनको काले झंडे दिखाएंगे, जूते की माला लेके ऐसे झूमेंगे, अपने कॉलोनी में गली में नहीं घुसने दूंगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी मैं यहाँ से उठूंगा नहीं, यहीं बैठूंगा, चाहे मुझे अकेला बैठना पड़े अकेला बैठूंगा, लेकिन हिलूंगा नहीं। जनवरी से लेके और फरवरी मार्च तक 50 दिन के लिए 50 दिन तक हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया। हमारी कुछ शर्तें थी जो इन्होंने मांगी थी, लेकिन MOU में कुछ था और अंदरूनी कुछ था। नगर निगम ने हमें धोखा दिया है। सेक्टर 21 में जहाँ पर हमारे आदमी 40-40, 50-50 हज़ार का काम करके नगर निगम को देते हैं और वही नगर निगम इनको 8,500 रुपये तनख्वाह के तौर पे देती है, जबकि MOU नगर निगम के साथ हर डोर टू डोर का साथी का ये हुआ था कि जो जितनी कलेक्शन करता है घरों से वो उनके अकाउंट में डाली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉरपोरेशन अपनी जिद पे अड़ी हुई है। अभी सेक्टर 14 में धनास में लोगों ने गाड़ियों को बहिष्कार किया और उनको दौड़ा दिया, क्योंकि 44-44, 45-45, 3-3, 2-2 हज़ार गारबेज के बिल उन्होंने भेजे हैं। हम लोग 50 रुपये से लेके 100-150-200 तक हर घर से लेते हैं। इससे अच्छा तो वही कार्य प्रणाली अच्छी थी, क्योंकि हम लोग बढ़िया तरीके से शहर को साफ स्वच्छ रखने में एक बड़ा योगदान दे रहे थे। कोरोना की वैश्विक महामारी में हमने इतने बड़े लॉकडाउन में पिछले साल भी काम किया, अब भी करते आ रहे हैं, लेकिन कॉरपोरेशन ने आज तक किसी को ना तो कोई अभी तक टीकाकरण करवाया और ना किसी को कोई बेनिफिट दिया। जितनी डिमांड हमारी इन्होंने कहा था कि पूरी कर दी, आज तक हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हुई है। 5-6 साथी हमारे कोरोना की वैश्विक महामारी में डेथ भी हो चुकी है, लेकिन उनको कोई मुआवजा नहीं, कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। यहाँ के महापौर को चेताना चाहते हैं, निगम कमिश्नर को चेताना चाहते हैं और सांसद जी को चेताना चाहते हैं, जो यहाँ पे दिखती भी नहीं है। अगर हमारी मांगों को सिर पूरा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये आंदोलन और तेज होगा
और समस्त वाल्मीकि समाज बीजेपी का पूरा विरोध करेगा, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में है सर। पब्लिक हेल्थ में आउटसोर्स कर्मचारियों ने भी धरना प्रदर्शन किया है। निगम के बाहर इकट्ठा हुए नारेबाजी की। इन लोगों का कहना था कि उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है और नए ठेकेदार उनसे नौकरी पर रखने के लिए पैसे मांग रहे हैं, जिसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। आज पब्लिक हेल्थ विभाग में काम कर रहे आउटसोर्स वर्करों ने ठेकेदारों द्वारा दोबारा काम पर रखने की एवज में पैसे मांगने तथा 3 महीने का वेतन ना देने के विरोध में SE पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग CB ओझा ने मसले को जल्द हल करने का आश्वासन दिया है। पब्लिक हेल्थ के आउटसोर्स वर्करों ने कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले SC पब्लिक हेल्थ के ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि आउटसोर्स वर्करों के टेंडर नए हुए हैं तथा ठेकेदार री इंगेजमेंट की एवज में वर्करों से पैसे मांग रहे हैं। इस दौरान चीफ इंजीनियर कम स्पेशल सेक्रेटरी इंजीनियरिंग CB ओझा तथा SC पब्लिक हेल्थ राजेश बंसल ने डेलीगेशन को बुलाकर आश्वासन दिया है कि किसी वर्कर को पैसे देने की जरूरत नहीं है, सब वर्करों को वेतन भी जल्द ही मिलेगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी के महासचिव राकेश कुमार, चेयरमैन अनिल कुमार ने वर्करों को संबोधित करते हुए नए ठेकेदारों की तरफ से पूर्ण नियुक्ति की एवज में पैसे मांगने की कड़ी निंदा की है। प्रदर्शनी साढ़े पब्लिक हेल्थ के जो 45 मुलाजम जोड़े आ उन्होंने ठेकेदार जो नौकरी तो नहीं ले रहा, पिछले 3 महीने की तनखा नहीं दी जा रही। अज आप विरोध के जोरदार प्रदर्शन किया कर रहे हैं तो सानू चीफ इंजीनियर साहब ओझा साहब ने बुलाया ही उत्ते SC जोड़े आ बंसल साहब उन्होंने भी गलबात हुई, एक्शन में भी बुला लिया। इस गलते उन्होंने एग्री की है कि पिछली आप सैलरी दे देवे तो ठेकेदार जोड़े पैसे मंग रहे हैं, पैसे किसी ने नहीं देने। अब चीफ साहब ने कहता किसी ने कोई पैसा नहीं देना, नौकरी तो जाओ तुम कम करो, इस बाकी जिम्मेवारी साड़ी है। पर यह जो धक्केशाही हो रही है ये बंद नहीं हो रही, ये भी आप मसला उठाया कि धक्केशाही लगातार हो रही है, इन बंद करने वास्ते तैयार नहीं है। उहदे विच आपां चाहुंदे आ कि प्रशासन जिहड़ा एग्रीमेंट हुंदा जैम पोर्टल दे नाल उहदे विच क्लॉज तय की जाए, लिखी जाए कि ठेकेदार बदलन दे समय कोई जिहड़ा वा मुलाजम नहीं बदलिया जाऊगा। तो अज इस गल का भी आश्वासन दिता चीफ साहब ने, तो साड़ी हायर लैवल पर गलबात चल रही है, इस तरह की कोई क्लॉज पाने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो आप समझते हैं कि जी सा डिमांड आ सिक्योर्ड पॉलिसी की, जे क्लॉज ये पै जाए तो वो साड़ी अद्धी डिमांड जी पूरी हो जाती है। देखो ये समस्या वा, अफसर कह तो दिता एजुटेशन तो खेड़ा छुड़ाने लिए, पर आप एजुटेशन तो पिछले नहीं हटते। जे सा अज जो वादा किया उन्होंने जो पूरा नहीं होंगे होता अगले हफ्ते आप फिर उत्थे अपना जोड़ा प्रदर्शन करा, काले कपड़े चोले पा के प्रदर्शन करा, जे फिर भी ना मने तो फिर देखो साड़ी मजबूरी होगी कि आप उपर दफ्तर के बच्चे एंट्री करके प्रदर्शन करा जे इन्होंने अपने वादे पूरे ना किए। तो शहर में ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसको हमको बताना हमारा फर्ज था, और उम्मीद है आपको सिटी हलचल में अपने शहर की खबर जानने में काफ़ी मदद मिली होगी। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सिटी हलचल, और तुरंत नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा YouTube चैनल रोशन भव सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, शेयर कीजिए और देखते रहिए रोशन भव सिटी हलचल। नमस्कार।